Chopping the snake and a mirror. The snake and the mirror. Has a snake in coil. Coil का मतलब होता है घेरा बनाना. Coil का मतलब होता है गोल घेरा. Has a snake in coil is a primary part of your body. क्या कभी आपके शरीर के किसी अंग के चारों तरफ किसी नाग ने लपेटा या घेरा बनाया है? A full-blooded cobra, भयंकर प्रवृत्ति वाला कोबरा नाग, क्या कभी आपके शरीर के किसी हिस्से के चारों तरफ लपेटे लगाए हैं? अलोफ़ास्फेल्सन, ये नाम सुनकर हम सब चुप्पी महसूस करते हैं. Jettison come from the home effect. Yes, about home effect. Effect. The topic came up when we were discussing snacks. Topic हमारे सामने आया जब हम सांपों का discuss कर रहे थे. We listened attentively as the doctor continued with his tale. हम एक कहानी हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे. एज द डॉक्टर कंटिन्यू विद हिज टेल, जो डॉक्टर अपनी कहानी को लगातार बता रहे थे. इट वाज हॉट समर नाइट, गर्मी की रात थी. अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे, आई हैड माय मील एट रेस्टोरेंट, मैंने अपना भोजन रेस्टोरेंट में लिया. आई रिटर्न टू माय होम और लौटकर अपने कमरे में आया. I heard a noise from above as I opened the door. जैसे मैंने दरवाजा खोला, मैंने ऊपर सरसराहट की आवाज सुनी. I heard noise from above. मैंने ऊपर से आवाज सुनी. As I opened the door, जैसे मैंने दरवाजा खोला. शाउट ऑफ फैमिलियर वन, मुझे महसूस हुआ कि ये सरसराहट की आवाज तो जानी पहचानी सी. कई बार पहले भी मैं ये सरसराहट की आवाज सुन चुका हूं. वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम. इस सरसराहट की आवाज को सुनकर कोई भी कह सकता है कि ये तो चूहों की भगदौड़ की आवाज है. आई शेयर द रूम, जहां जिस कमरे में मैं रहता हूं उनमें चूही नहीं. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. मैंने अपने जेब से एक माचिस निकाली. मैंने अपनी जेब से एक माचिस निकाली और जो टेबल के ऊपर चिमनी पड़ी थी उसको मैंने जलाया. The house was not electrified. जिस घर में मैं रहता हूं उसमें बिजली की फिटिंग नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है. It was a small rented room. यह एक छोटा सा किराए का मकान था. I had just set up medical practice and my earning was meagre. और मैं मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा था और मेरी कमाई है वो बहुत ही कम थी. I had about 60 rupees in my suitcase. मेरे मकान में जो सूटकेस था उसमें केवल 60 रुपए पड़े थे. Along with some shirts and bodies. ये पैसे जिस सूटकेस में पड़े थे उसमें मेरे कुछ कमीज भी थे और धोती भी समेट कर
रखी हुई थी। आई ऑल्सो पोसेस वन सॉलिटरी ब्लैक पॉट, मेरे पास काले रंग का एक पॉट भी था। विच आई वॉज देन वेयरिंग, इस पॉट को तब मैंने पहन रखा था। आई टुक ऑफ माय ब्लैक पॉट, आई टुक ऑफ माय ब्लैक पॉट, व्हाइट शर्ट एंड नॉट सो व्हाइट वेस्ट एंड हैंग अप। मैंने अपने पॉट को उतारा, सफेद शर्ट को उतारा, नॉट सो व्हाइट वेस्ट, लेकिन मैंने अपनी बनियान को नहीं उतारा, एंड हैंग अप और पॉट को शर्ट को मैंने खूंटी में लटका दिया। आई ओपन द टू विंडोज इन द रूम, कमरे की दो खिड़कियों को मैंने खोला। इट वॉज एन आउट रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। इट वॉज एन ओपन रूम, यह बिल्कुल खुला खुला था, विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, इसकी दीवार जो एक दीवार थी उसके सामने बिल्कुल खुला मैदान था। इट हैड ए टाइल रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। दीवार में बीम थी, उसके ऊपर तिरछी छत थी, रेस्टेड ऑन द बीम, जो बीम पर टिकी हुई थी, और इसकी पूरी छत वो टाइल थी। देयर वॉज नो सीलिंग, सीधी छत नहीं थी। देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स, वहां पर हमेशा चूहों की भगदौड़ होती थी। फ्रॉम द बीम, इस बीम से उस बीम, उस बीम से उस बीम, इस प्रकार से चूहों की दौड़ हुआ करती थी। आई मेड माई बेड एंड पुट इट क्लोज टू द वॉल, मैंने अपनी चारपाई को खींचा और दीवार के पास लगाया। आई ले डाउन बट कुड नॉट स्लीप, मैं वहां चारपाई पे लेट गया लेकिन सो नहीं पाया। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द बरामदा फॉर ए लिटिल एयर, फिर मैं खड़ा हुआ तो जो बरामदा था, मकान के आगे की जो खाली जगह बरामदा था, उसमें गया कुछ हवा लेने के लिए। बट द विंड गॉड सेंड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन शिंड को है टाइम ऑफ, लेकिन हवा ने नहीं चल रहा था। आई वेंट बैक इनटू द रूम, इसलिए मैं वापस कमरे में आ गया। सेट डाउन ऑन द चेयर, एक चेयर पर उसके बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बिटवीन द टेबल एंड टुक आउट अ बुक, टेबल के नीचे एक छोटा बक्सा पड़ा था, उसको खोला और उसमें से एक किताब ली, द मेटेरिया मेडिका, जिस बुक का नाम है मेटेरिया मेडिका। आई ओपन इट एट द टेबल, मैंने इसको खोला, ऑन विच स्टूड द लैंप, जिस टेबल पर लैंप पड़ा था, एंड लार्ज मिरर, और मैंने एक बड़ा सा शीशा लिया, ए स्मॉल बॉम्ब ले बिसाइड द मिरर, और एक छोटा कंगा उसी शिष्य के पास पड़ा था। बात से चलते तुम लोग इनको मेरा पैर इस मेरा बाल, मैं उस शिष्य को लिया। आई टुक ए लुक, मैंने उसमें नजर डाली। इन दोनों डेज आई वॉज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, उन दिनों में मैं अपने आप की सुंदरता की प्रशंसा किया करता था जब भी शिष्य में देखता था। एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं इस बात पर भी विश्वास करता था कि मैं अपने आप को और ज्यादा सुंदर बनाऊं। आई वॉज अनमैरिड, मैं बिल्कुल अविवाहित था। एंड आई वॉज ए डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माय प्रेजेंस फेल्ट, हमेशा मैं यह महसूस करता था कि मेरी उपस्थिति हमेशा ही दूसरों को सुंदर दिखाई गई। आई पिक्ड अप द कॉम, मैंने उस कंघे को उठाया, एंड रन इट थ्रू माय हेयर,
मैंने इस कंघे से मेरे बाल बनाए एंड एडजस्टेड द पार्टिंग शो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नी, और सारे बालों को मैंने व्यवस्थित किया ताकि ये दूसरों को दिखने में सुंदर और सजे हुए नजर आए. अगेन आई हर्ड दैट शॉट फ्रॉम अबाउट, फिर मैंने ऊपर वही सरसराहट की आवाज फिर सुनी. Turned than a fat snake wriggled over the back of the chair
उसमें मैंने देखा कि चेयर के पीछे एक नाग या एक शर्प फर्श के ऊपर रेंग रहा है एंड लैंडेड ऑन माय शोल्डर और ऐसे लगा कि वह मेरे कंधे पर लगा हुआ है. द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माय टर्निंग वर सूटलेस. सांप का मेरे कंधों पर बैठना और मेरा वहां से मुड़ना मुझे बड़ा भयंकर स्तंभित कर देता है.